सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिस्टर माधव सिंघा से और उनकी मिसेस अनुपमा साहा सिंघा से। माधव जी की उम्र जो है वो 43 ईयर है और ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी से। इनको 8 साल पहले डायबिटीज हुआ था और उस समय इनकी फास्टिंग में ब्लड शुगर आई थी लगभग 200 225 के ऊपर और खाना खाने के बाद में करीब 350 के ऊपर आती थी। HbA1c तब इनका 7.8 था और वजन उनका 70 किलो था। फिर धीरे धीरे ये उनका वजन घटता गया। उन्होंने एलोपैथिक दवाइयों का सेवन भी चालू रखा, पर जब इन्होंने हमारे प्रोग्राम से जुड़ना शुरू किया लगभग 3-4 महीने पहले, उस समय भी उनकी ब्लड शुगर दवाइयों के साथ में 200 के ऊपर आती थी, जो अब लगभग दवाइयों के बगैर खाली एक मेटफॉर्मिन अभी कभी कभार ये लेते हैं मॉर्निंग में, पर इनकी ब्लड शुगर अब आती है फास्टिंग के अंदर 100-110 के करीब, खाना खाने के बाद में 130-140 और HbA1c अब इनका आ गया है मात्र 4.8। इन्होंने अपना रेमिजन ऑलमोस्ट कर लिया है और इसके साथ में इनका जो वेट था 60 kg आज से 3 महीने पहले वो स्टेबल है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपने अपना वजन घटा लिया तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, इस केस में आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। और इन्होंने तो अपने वजन को स्टेबल रखते हुए, क्योंकि कई बार लोगों का यह भी मानना है कि डायबिटीज की डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वजन घट जाएगा, वैसा नहीं है। आप अपने वजन को स्टेबल रखते हुए भी अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ रेमिजन रिवर्सल कर सकते हैं, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और फिर मिसेस ने भी जब डाइट फॉलो करना शुरू किया तो वो उनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ने लगी थी उसके अंदर कमी आना शुरू हुई, वेट लॉस भी किया, थायराइड में भी लाभ आना शुरू हुआ। तो उनसे भी जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। माधव जी और अनुपमा जी नमस्कार आप दोनों को, आपका अनुभव कैसा रहा आप प्लीज बताएं। माधव जी पहले आप बताएं आपको डायबिटीज कैसे शुरू हुई, कैसे प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ा और आपको किस तरह से लाभ हुआ, प्लीज दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं दवाई पहले से, जब मैंने 8 साल पहले मेरा जो शुगर हुआ था तो उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम है मैंने टेस्ट किया था लैब में, तो 300 350 था। ओहो, मतलब 250 से भी ऊपर था। उसके बाद खाना खाने का खाना खाने से पहले था आपका 200 से 250 ऐसा आता था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को दवाई दिया। दवाई देने के बाद ऐसे पहले तो 1000 का दे रहा था ऐसे कुछ टेबलेट, तो मैं खाते थोड़ा कम घटा है, तो दवाई चलते गया तो उतना घटता नहीं है, घटता नहीं था। तभी मेरा तो सोच रहा था, बहुत दिन से वही चल रहा था। एक दिन मैंने आपका प्रोग्राम देख लिया फेसबुक में देखते ही मैं आपसे आपका वहां से आपका मैं रिश्ता लोगों से कॉन्टेक्ट किया, तो बात हुआ। उन लोगों ने जिस तरह से बताया कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, टेबलेट को ऐसे करना है, खाना है मतलब अब डाइट को ऐसे लेना है। उसके बाद उसी तरह से हम लोग 3 महीना पहले से आपका तो जो जब ही आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया उस समय और अब में कितना फर्क आया, अब कितना ब्लड शुगर रहता है आपका? सर बहुत ही फर्क आया, पहले 250 था 200 था, अभी जो हम लोग आपका दवाई ले रहे हैं सर, हाँ फास्टिंग अब मेरा आ रहा था 110 बराबर और पीपी आ रहा था हमारा 140। ओके, और HbA1c कितना है आप? 4.8 सर, 4.8 आ गया। पर आपका अभी एक गोली भी चल बहुत रहा ही था अच्छा ना, पर आपका एक गोली भी चल रहा था, तो अब उसको आप बंद कर देंगे और फिर रिवर्सल की तरफ? अभी जो मेरा एलोपैथिक दवाई चल रहा था अभी अभी तो सर मैं शायद बंद कर दूंगा, बंद आपने कर बोले देंगे हैं, अभी। और बराबर आपका टेबलेट जो है मैं वो ले रहा हूँ। उसके बराबर, वगैरह एक था जो सुबह सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज भी करता हूँ, आपका कंटिन्यू जो वेरी आपका डाइट जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। हाँ ये। उसी हिसाब में देखा था, अभी मेरा सर बहुत बड़ा बड़ी है, एकदम ठीक सही ही है बात, एकदम। सही बात है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सर जरूर देंगे सर, आपका जो दवाई ले रहा हूँ सर बहुत ही अच्छा है। हाँ मेरे को अभी पहले जैसे थकावट भी लग रहा था, मतलब सोते बहुत अच्छा नहीं लगा, काम में भी उतना मन नहीं लगता था, थकावट लगता था सर। आपका दवाई लेते हुए तब मेरे को अभी अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपने बराबर, जो जो आपने बताया, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, मने वर्क वगैरह करना है, वो भी बराबर, सभी आपका फ्लो ही कर रहा हूँ, उसके बाद बराबर, ही मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है सर अभी। राइट। हाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। बराबर, तो सिस्टर आपका हाँ अनुभव कैसा रहा? अनुपमा जी आप भी थोड़ा सा शेयर करें प्लीज। ठीक है, नमस्कार सभी को। नमस्कार, नमस्कार। सर
सर ऐसे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा तो सर उतना हाई नहीं था, पर मेरा अपना हस्बैंड जो सफर कर रहे थे, जो मेडिसिन खा रहे थे, जैसा कभी कभी आता है थकावट हो जाता है, काम करने का मन नहीं है, कभी खाने नहीं खोजते थे, माने जितना प्रॉब्लम था वो अभी सब नहीं है। अभी सही फिलहाल बात मेडिसिन लेकर, आपका खाना, उसका डाइट फॉलो कर, वो बहुत अच्छे है, सुस्त है। आपका भी मैं देख रहा था कि फास्टिंग में 135 140 आने लगा। फास्टिंग मेरा पहले 116 था, फिर हाँ मेरा बराबर प्रेगनेंसी का पीरियड में जब डॉक्टर ने देखा तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो बोला कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो भगवान का कृपा से बराबर नहीं हुआ। पर बाद में सब, तभी लॉकडाउन हो गया तो मैंने भी उतना ख्याल नहीं किया। बाद में जब चेकअप करते करते 120, 130, लास्ट में 140 तक हो गया था, तब पर बराबर मैंने एलोपैथिक दवाई नहीं लिया था, तो तभी अचानक से फेसबुक में आपका वो सब इंटरव्यू वो सब देखा हम लोगों ने, तो बराबर अच्छा लगा आपका फॉलो करने के लिए। हम लोगों ने ट्राई किया तो मेरा हस्बैंड ने करने लगा, तो मैं भी आप दवाई तो नहीं ले रही थी, जस्ट आपका सही डाइट ही फॉलो कर रही हूँ, बात वो जो सही। करते वही मैं भी कर रही हूँ। तो तो अभी आपको तो क्या बेनिफिट आना शुरू हुए उसमें? बेनिफिट अच्छा हुआ है सर, मेरा वेट में 2 kg लॉस बढ़िया कम हुआ है, उसके बढ़िया बाद बढ़िया फास्टिंग में अभी 119 आया है, जहाँ 135 था वहाँ 119 आया है, और बराबर पीपी तो सर मेरा ओनली 100, ओनली बहुत 100 ही बढ़िया। अच्छा दूसरा वजन भी घटना शुरू। अच्छा थायराइड में आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? थायराइड तो सर अभी फिलहाल इस बार ही मैंने माने वो किया था, क्योंकि मेरे ओके शरीर में बहुत पेन रहता था तो मालूम नहीं था, जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो तब पता चला कि थायराइड भी ओके बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका पर है। देखिए इसमें कैसा होगा, आपको फैटी लीवर का इशू, स्नोरिंग, रात में स्नोरिंग होता होगा वो इशू, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का इशू, थायराइड का इशू, प्री डायबिटीज का इशू, ये 6 के 6 इशू आपके क्लियर होंगे अगर आप अपना वजन इस डाइट को फॉलो करते हुए 15-17 किलो घटा लेते हैं, क्योंकि आपका आइडियल वेट आपके हाइट के हिसाब से है 55 से 60 किलो। तो उसके लिए आप ऑप्ट करें, और साहब को आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इनका डायबिटीज पूरा रिवर्सल होना चाहिए, 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके टेस्ट पास करना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो आप दोनों का ही, एक तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई कि आपने किया और आपको रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हुए, पर आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग टाइम, क्योंकि अभी जर्नी काफी लंबी है, आपको भी 4 से 5 महीना लगेगा रिवर्सल के लिए, और आपको चूंकि वजन घटाना है, बाकी के एलिमेंट्स को क्लियर करना है, तो आपको भी 4 से 6 महीना जाएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों की डाइट को लेकर के ट्रेनिंग हो गई तो आगे की जनरेशन अपने आप सेफ हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा ना तो वो बोलेंगे हमारे पेरेंट्स को भी इशू था इसलिए हमको हो गया, ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, जबकि वो डाइट के कारण हो रहा है। तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट, और अगर अच्छा लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दें, बोलें प्लीज। सर, लोगों के लिए तो वही मैसेज है कि वो जिस जो जो ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिसको भी ये सब प्रॉब्लम है, आपको फॉलो करे, आपका डाइट जो डाइट दे रहे हैं उसको फॉलो करे, आपने जो मेडिसिन किया है वो करे, आपका ये सब चीजें सबको, हम लोग को तो अच्छा हुआ है, हम लोग को उपकार हुआ है, सबको यही सब हो, ये जो शुगर जैसा खतरनाक बीमारी से सबको रिलीज मिले, सही यही बात चाहते हैं सही। सर। मैं तो जैसा ग्लूकोविटा नहीं ले रही हूँ, क्या हाँ मुझे भी हाँ लेना है सर? नहीं ग्लूको फ्री आपको नहीं लेना है, आप वेट लॉस करने के लिए चाहिए तो स्टार वॉक ले, मैं आपको गाइड करता हूँ, इसके बाद में मैं आपको दोबारा से और गाइड करूंगा आगे, तो उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़े, ठीक है ना? ठीक है, तो ओके आप ओके, थैंक दोनों का ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू थैंक सर, यू आपने सर, हम लोग को गाइड किया सर, बहुत बहुत गाइड आपके किया सर, कारण बहुत हम बहुत लोग को धन्यवाद सर, बहुत कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में, ये जो मुक्त शुगर जैसा बीमारी से हम लोग हुए उभर कर प्राय, आए मुक्ति हुए हुए हैं प्राय, सर। ऐसे ही हुए। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू सर। थैंक यू। तो आपने देखा किस प्रकार मिस्टर एंड मिसेस माधव सिंघा ने अपने डायबिटीज के अंदर और थोड़ा वेट लॉस के अंदर रिलीफ पाया, इसी प्रकार यदि आप भी डायबिटिक हैं और आप भी अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मैं मेरी टीम आपकी जरूर मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।